आपके चैनल के जरिए जे भी हमके देख रहा बा सब भैया चाचा माई बहन के पैर छू के प्रणाम करो तनी। कुछ दिन पहले हमको ये सुनाए थे, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। और देखिए चीज़ें वही हैं लेकिन सबका अपना अपना परोसने का तरीका अलग है। लकी जोड़ी तो है ये है, लगातार हमारी फिल्में रिलीज हो रही हैं और हमारे जो भगवान हैं हमारे श्रोता इतना दुलार प्यार और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, ये कलाकार के लिए बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही बड़ी बात है। इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। हर समय पे ना बाबू हर चीज़ मैनेज हो जाता है। देखिए कुछ नहीं आता है, ज़िंदगी भर सीखना है। ये तो मैं जब आप लोग इंटरव्यू लेते हैं तब हम बोलते हैं और ये ज़िंदगी भर बोलना है। और कोई आर्टिस्ट कि अगर काम जिकरे पास नहीं खे वो काम पावे खाती परेशान बा, भगवान करें सब लोग बिजी हो जाएं और सारे लोग सुपरस्टार बने, बहुत आगे बढ़े सब कोई, मैनेज हो जाता है। मान लीजिए कि अब 30 दिन हमारी फिल्म शूट होती है तो आदमी पहले से बोल देता है एक हफ्ता पहले कि भैया हम इस तारीख को नहीं हैं, हमारा शो है उस दिन, आप दूसरा शेड्यूल लगा के दूसरे लोगों का शूट रख दीजिए, मैनेज हो जाता है। मैंने बोला ना कि मैं ना बनावटी हूँ ना मुझे बनावटी पाना आता है, आना कभी करना है जीवन में, जो भाग्य में लिखा है उसको मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं जो कुछ भी हूँ अपने श्रोता का आशीर्वाद हूँ, बस मैं मेहनत करता हूँ, मैं जो कुछ भी बनता हूँ या बना हूँ या अभी हूँ ये सिर्फ और सिर्फ हमारे श्रोता का प्यार है, दुलार है, आशीर्वाद है। देखिए कलाकार हैं हम लोग, कलाकार बन के काम करना है और जिस हर रोल को निभाना है, हर करेक्टर को निभाना है। लेकिन क्या देखा हमनी के दुनिया के कोनो कोना में रही जा लेकिन सोच जौन बा गांव वाला था है और हमेशा रहेगा आजीवन, थोड़ा झिझक होता है ऐसा नहीं है। बचपन में हम अपने गांव में कुश्ती लड़ल बनी ऐसा नहीं किए, ये तो अपना खानदानी परंपरा है। हमारे बाबा पहलवान थे, हमारे चाचा जी भी पहलवानी किए हैं, हम भी अखाड़ा में लड़े हैं। हाँ लेकिन बचपना में बहुत छोटा था तो ये सब अखाड़ा में कुश्ती लड़ल गिरल पड़ल ये सब तो अपने गांव का रीति रिवाज है। ये पवनवा के पवन सिंह बनावे वाला हमारे दर्शक के हम हमेशा पैर छू के प्रणाम करत हनी, आजीवन करब। बस हमारा यही ये है कि जवन आप लोग अपने भाई के बेटा के दोस्त के सब भैया चाचा माई बहन जैसे आप लोग दुलार प्यार आशीर्वाद देते आइल बनी जा, ये आशीर्वाद बना रहे और मैं ऐसे ही मेहनत करते रहूं। जय माता दी, जय भोजपुरिया समाज। Planet Bhojpuri.